तबाही और बर्बादी हमेशा बिन बताए ही दस्तक देती है। दिल्ली के मायापुरी इलाके में कोबाल की शक्ल में तबाही ने ठीक ऐसे ही दस्तक दी और फिर देखते ही देखते पूरे इलाके की पहचान ही बदल गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। ऊपर से सितम ये कि दुश्मन भी ऐसा जो किसी को दिखाई न दे। तारीख 8 मार्च, जगह मायापुरी कबाड़ मार्केट। उस शाम इस इलाके से आई एक ऐसी खबर जिसने देश की राजधानी को हिलाकर रख दिया। खबर थी ही कुछ ऐसी, कबाड़ का बिजनेस करने वाले दीपक जैन और उनके 4 कर्मचारी अचानक बीमार पड़ गए। बीमार भी ऐसे कि त्वचा गलने लगी, बाल झड़ने लगे, बदन काला पड़ने लगा और शुरू हो गई खून की उल्टियां। इस अजीबोगरीब बीमारी की खबर जैसे ही इलाके में फैली, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इलाके में अब तक जबरदस्त अफवाह फैल चुकी थी कि कबाड़ से भोपाल जैसी कोई गैस निकल रही है। पुलिस भी फौरन हरकत में आई और आनन फानन में कबाड़ की उस दुकान को सील कर उसके बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए। बीमारी अजीब थी और गैस अनजानी, लिहाजा फौरन दिल्ली और चंडीगढ़ से एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे और उन्होंने इलाके में रेडियो एक्टिव पदार्थ से रेडिएशन होने की शंका जाहिर कर दी। कोई नहीं जानता कि ये कैसे आया। इसके लिए हम पूरी मार्केट में एक बड़ी मतलब शोक सा फैला हुआ है, गम है कि ये क्यों हुआ ऐसा। फिर सुबह होते होते ये खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी कि राजधानी के ऊपर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी की जा चुकी थी। चंडीगढ़ सीएफएसएल की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंच चुकी थी। मुंबई से हवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों को भी बुला लिया गया था। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया और तब जाकर पहली बार वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव पदार्थ की पहचान कोबाल्ट 60 के रूप में की। दरअसल मायापुरी के इस बाजार में करीब 3,000 कबाड़ की दुकानें हैं और उन्हीं में से एक है दीपक जैन की दुकान, और वही दीपक जैन इस कोबाल्ट का पहला शिकार भी बना। दरअसल करीब 25 दिन पहले दीपक की दुकान में कबाड़ की आखिरी खेप आई थी और शक है कि उसी खेप के साथ वो कोबाल्ट भी यहाँ पहुँचा था। मायापुरी के इस कबाड़ मार्केट में बिखरा ज्यादातर वो कबाड़ है जो सरकारी एजेंसियों के जरिए यहाँ तक पहुँचा है। सूत्रों के मुताबिक इलाके में करीब 70% कबाड़ मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के जरिए पहुँचता है। ये कॉरपोरेशन देश और विदेशों से मंगाए गए कबाड़ आगे ट्रेडिंग के लिए खुदरा कबाड़ियों को बेचता है। हालांकि कॉरपोरेशन के जरिए मंगाए गए कबाड़ को स्कैनिंग और कस्टम से होकर गुजरना पड़ता है, यानी अगर ये कबाड़ कॉरपोरेशन के जरिए मायापुरी तक पहुंचा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्कैनिंग में चूक हुई है, और यही वजह है कि जांच एजेंसियां स्कैनिंग की चूक के मामले में फिलहाल किसी को क्लीन चिट देने के हक में नहीं है। मायापुरी के इस कबाड़ मार्केट में आने वाले कबाड़ के रास्ते इतना ज्यादा है कि रेडिएशन के असली गुनाहगार को ढूंढना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने के बराबर जैसा है। व्यापारी न सिर्फ सरकारी एजेंसियों से अपना माल खरीदते हैं बल्कि वो खुले बाजार से भी माल खरीदते हैं और विदेशों से भी आयात करते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने समस्या ये है कि वो असली गुनाहगार तक पहुंचे तो कैसे। सरकारी जरिए से आने वाले कबाड़ के अलावा इस बाजार में करीब 30% कबाड़ खुले बाजारों से आता है, यानी ऐसे कबाड़ की कोई जाँच या स्कैनिंग नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक इस कबाड़ में बहुत से माल वॉर जोन वाले इलाके से भी आते हैं। कबाड़ का ये टुकड़ा उस खेप का भी हिस्सा हो सकता है। हाउ डिड इट कम? मोस्ट लाइकली ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन, दे प्रोबेबली केम एज स्क्रैप फ्रॉम अब्रॉड। आई एम नॉट सेइंग डेफिनेटिवली अनलेस वी फाइंड द फाइनल आंसर, एंड दे आर नॉट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। कोबाल्ट 60 ऐसा मटेरियल है जो कैंसर के इलाज और उद्योग धंधों से लेकर एक्सरे मशीन में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में जांच एजेंसियां इस संभावना से भी इनकार नहीं कर रही हैं कि कोबाल्ट का ये टुकड़ा किसी अस्पताल के कचरे के साथ कबाड़ तक आ पहुंचा हो। विशाल प्रताप सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।